हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे एकदम गजब जकास बोल रहे थे। तो बाली के नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो फिर से होगा हैंड हेल्ड, मतलब मैं हाथ से पकड़ के वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। कोशिश करूँगा इसकी प्रैक्टिस करने की, क्योंकि गिम्बल थोड़ा हैवी हो जाता है, उससे डेली व्लॉगिंग में दिक्कत आ रही है। डेली व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ मैं उससे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो शुरू करते हैं। अरे डायलॉग दे रही है तुम मेरे को? रिकॉर्ड मत कर। क्यों मत कर? तो एक्चुअली मैं ना काम कर रहा था अंदर बैठ के, तो हमको है ना ग्रे की आवाज़ आई। देखो वो वहाँ मस्ती कर रहा है, देख रहा है वो पिद्दा सा हो रहा वहाँ पूजा। पहले तो ये है ना हिलते ही नहीं था, फिर उसकी माँ भी खेल रही है उसके साथ विंपी। देखो पास से दिखाता हूँ चल के, ये विंपी और ये देखो ये पिद्दा आ रहा है। क्यों रे पिद्दे, क्यों रे पिद्दे, क्या देखने आ रहे वे पिद्दे? हाँ चाटेगा क्या पिद्दे? ठीक विम्पी है ना खुद बच्ची हो गई उसके साथ खेलते खेलते। तो विम्पी के साथ खेलने लग जाओ ना तो ये इसके दांत बहुत बड़े बड़े होंगे, पकड़ने की कोशिश करने लग जाती है। ये ऐसे बच्चे नहीं, छोटे तोतों के बच्चे कैसे मस्ती करते हैं वैसे, तो उससे थोड़ा डर लगता है। दांत वात लग गया तो अब यहाँ कौन इंजेक्शन लेने जाएगा? क्या कर रहे थे तुम? अरे मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपन बाहर काफ़ी थोड़ा सा ऐसे वीडियो बनाता है। शिल्पा दिखा दो, दिखा दो, क्या दिखा रहे हो बाहर का? क्या हो गया ना? एक दूसरे को रिकॉर्ड करेंगे अपन। तो कुछ नहीं, शिल्पा है ना ऐसे दिखा रही थी, चाय वाय बनने रखी हुई है, तो वो उसके वीडियो में दिखाने लग गई थी। तो मैंने बोला देखो ये कैसे रिकॉर्ड करती है, और कुछ नहीं था। अभी तो ऐसे काम का चल रहा है और चल रहा है। देखो देखो या चल रहा है अभी, चल रहा है अभी या चल रहा है। तो कुछ नहीं, अभी मस्त चाय वाय बनेगी, चाय पियेंगे, उसके बाद देखते क्या चिल करेंगे। चाय पी के, गरम गरम चाय पी के चिल करेंगे। हमारा वो कहाँ है पिद्दा? वो पिद्दा दिख नहीं रहा है यार, क्या पता कहाँ गया पिद्दा। और मौसम सही हो रहा है, ये देखो इसको कॉपीकैट, तेरा कॉपीकैट एग्जैक्ट जो मैं बोल रहा हूँ ना वही रिपीट कर रही है ये, और उसके वीडियो में भी यही शब्द डाल देगी है ना कॉपीकैट मेरी। हाँ देखा। तो फिलहाल बाहर का नज़ारा कुछ हो रहा है ऐसा, धूप निकली हुई है। अभी तो चाय वाय पीने के बाद से काम ही कर रहे थे, तो कतूत आ गया था एंड ही वॉज क्लीनिंग, ही इज क्लीनिंग एक्चुअली राइट नाउ। वो भी तो साफ़ सफाई होगी, ऐसा हमने एक झाड़ू ला के रखेगी, तो शिल्पा सुबह सुबह ही झाड़ू एक लगा देती है, पर अभी भी पोछा वोछा ने एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो काम होते हैं वो होंगे। तो अभी हम यहाँ बैठ के चिल करेंगे, ये भी हमारी चेयर चिल करने के लिए। क्यों रही शिल्पा? ए शिल्पा, यस कहाँ हो गया शिल्पा? मारा तुमको शिल्पा किसी ने? किसने मारा? नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं यार बोर हो गया आज, ये बोर हो गई हो। किसका क्या नाम है उस लड़की का? एक उल्फत, उल्फत करके एक लड़की है इंस्टाग्राम पे ना, मैंने इसको ना पहले टिकटॉक पे देखा था जब इंडिया में, यूट्यूब पे डाल रही है, तो उसको मैंने ना टिकटॉक पे देखा था बहुत पहले, शायद से टिकटॉक पे ही देखा था, याद नहीं है, साल डेढ़ साल पहले शायद। अभी उसके यूट्यूब पे वीडियो मिल गया, तो एक घंटे से शिल्पा है ना उसी की वीडियो देख रही है स्क्रोल कर कर करके, एक वीडियो का चार पाँच बार, पर बनाती अच्छे एकदम फनी। क्यों क्या बोले? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सास बहु के नाटक। तो वाकई बहुत बढ़िया कंटेंट बनाती है यार वो। पता है ये बेचारा है ना सो रहा था और शिल्पा उठा के ले आई। क्या शिल्पा? मैं बच्चू। अच्छा वाला सो रहा था। अरे नो 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 Thank you.
तो ग्रे जो है ना कतूत की बात बहुत ज्यादा ही सुनता है, देखो उसी की चप्पल चप्पल नहीं खाना, अभी अभी घुर्रा नहीं रहा है। पानी पीना को प्यास लग रही है, तुम उठा के लगी उसको प्यासा, चटक पानी पिलाती है। देखो अब कैसे ले जाएगी उसको पानी पिलाने में, चलो अपना को पानी पानी पानी। देखो इसको क्यों ऐसे कौन पानी पिलाता है, पीले देख रहा, बोले भैया ये कौन सा तरीका भैया पानी पिलाने का, उसको भी समझ में नहीं आ रहा ये सब भी कुछ होता है। पानी पानी पकड़ पकड़ पानी पिलाता है यार। अरे यार तुम्हारा घर में कोई ऐसा नमूना है क्या जो पकड़ पकड़ ऐसे बेचारो तूतू को पानी पिलाता है, और वो भी पी रहा था उसको, हो गया बस पी लिया। तो ये है ना शिल्पा है ना, जब इसको जहाँ ले जाना था वो ठो ठो के ले जाती, अब तो दोस्ती हो गई उसकी। झाड़ियों का दुश्मन है सारी 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 झाड़ियाँ खा जाता है ये, खा जा खा जा, हाँ तोड़ दे फाड़ दे। दोनों थपाड़ा खींचे काम नहीं। देखो देखो कतूत ने एक्चुअली सफाई वफाई कर दी थी, पूछा भी लगा गया भैया वो तो वो ग्रेवी उसके पीछे पीछे चला गया, वो पहुंच गया उसके घर में, अब वो उसके बिल में घुस जाएगा वहाँ पे और सो जाएगा उधर। अच्छा लगता है, मज़ा आता है ग्रे के साथ खेलने में, पर अभी हम 3-4 दिन बाद यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, तो और वहाँ पे लिखा है नो पेट्स अलाउड, तो ग्रे की याद आया करेगी तो हम यहाँ आया करेंगे घूमने। वो फिर ले, अरे भैया चेन ले लें दो, अरे भैया उसको बेचारा देखो उसको भैया चेन ले लें दो, बोले ग्ले 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 का किडनेप हो गया। अरे मेरे पास कहाँ रहा, मैंने क्या करा भैया, मैं थोड़ा ना लाया हूँ तेरे को। तो गाइस देखो शिल्पा ने ना अभी आलू काटे हैं, इसके अंदर शिमला मिर्च है और हरी मिर्च है, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है, हमारा उपास है। शिल्पा तो 9 दिन रखने वाली है, मेरा आज उपास है का, मैं देखूँगा कि 9 दिन रख पाऊँगा या नहीं। तो यहाँ और बर्तन धुल रहे हैं, ये तवा गर्म हो गया है, अपन को तेल डालना है ज़रा तेल, तो अभी आलू वालू बना के खाएंगे और फिर वापस आपसे मिलेंगे। तो गाइस देखो हमारा ये है लंच, शिल्पा चालू हो गई है, यहाँ पर थोड़ा और बन रहे हैं, और एक्चुअली मैंने ना अभी बैग वैग खोला था, कहाँ कर रहा है, मैंने साबुदाने बच्चों को, जो हम साबुदाने लाए थे इंडिया से, तो कल साबुदाने बन जाएंगे। फिलहाल का तो यही है भैया। तो गाइस अभी का अपडेट ये है कि बज रही है 7:45, शिल्पा वहाँ से हंस रही है, क्यों हंस रहे हो तुम? हाँ तो एक्चुअली तो काम काम में आज पूरा दिन भर ऐसे ही निकल गया यार, तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा सामान खरीदने, क्योंकि अब उपास चल रहा है और आलू कम है, शिमला मिर्च कम है, सब कुछ कम कम है, तो कल सुबह नहीं जाना पड़े, और कल चाय के लिए दूध वूध वूध सब लेकर आएंगे। और अब मैंने ना कैमरे में स्ट्रैप लगा लिया, अगर दिखाता हूँ एक मिनट रुको, हटना शुरू। तो अगर देखोगे ना तो ये एक स्ट्रैप लगा लिया मैंने कैमरे में, तो इसको अब अपन गले में टांग के इस तरह से, तो मैं इस तरह से प्योर फॉरेनर जैसा लगूंगा, ये देखो स्ट्रैप, तो मैं अब इसको लेके जाऊंगा, तो आपको मैं दिखा सकता हूँ फुटेज ले चल के। अगर ये लेके जाओगे तो महंगी सब्जी देगी वो, नहीं देगी, क्योंकि वो उस पर वो टप 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 वाली जगह पे जाते हैं हम, जहाँ सबको एक ही रेट लगता है, तो वहाँ पे नहीं होगा वो, वहाँ पर ऐसा होता है। हाँ फिक्स रहेगा वजन के हिसाब से, सच में? हाँ तुमको क्या लगा? यार ये मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मेरा तो ऐसा मेरा गला
मुझे एक बात समझ में आता है, जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो इसका कैमरा लेके चालू हो जाती है। क्या रहा ये पता, इसके है ना, इसके वीडियोस में भी ये सब कंटेंट डाल देती है। ये इसको बोलते हैं कि दिमाग का सही उपयोग करना। बोले मेरे को तो आती नहीं बकर बकर करनी, ये बहुत बकर बकर करता है, तो इसकी वाली ही रिकॉर्ड कर लूँगी। या ये देखो अब भी मतलब इतनी बेशर्म है कि कैमरा ही नहीं हटा रही। कैमरा हटा लो भैया, शर्म कर लो थोड़ी। मजा आया भैया, क्या पता कौन कौन सा बटन दब गया था तो वो मैनुअल फोकस में रिकॉर्ड हो गया। ब्लरी ब्लरी चेहरा आया होगा तो मैं डिलीट कर दूंगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें करी थी हमने तो। सो हम लोग आ गए हैं, ये यहाँ पे लोकल एक शॉप है जहाँ पे सब चीज़ मिल जाती है। अब यहाँ से शॉपिंग करेंगे। बकेट में सारी चीज़ें डाल देंगे। लगभग हर एक सब्जी है और अंदर जो है वो जो नॉर्मल किराने का सामान होता है ना उस टाइप की चीज़ें भी है। तो फिलहाल तो यही है। देखो यहाँ सारे मसाले हैं, पूरा मसाले का शेल्फ। यहाँ हमको यहाँ पे सारे दूध हैं, ये सो आलमंड मिल्क है और अलग अलग टाइप के हमारा ये, हम ये पीते हैं। तो इसके अपन एक दो तीन पैकेट रखें, दो ले लेते हैं। सो ये दो पैकेट लिए हैं, चलते हैं। इसको रखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ ये दूसरी साइड का है। इसका क्या ढूंढ रही थी तुम? साबुदाने का आटा मिला भैया यहाँ पे, साबुदाने का। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ रोटी बनाने का इशू है, जगह बहुत कम है। हाँ पूड़ी जैसा बना लेते हैं साबुदाने का, पर जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ इशू है क्योंकि स्पेस बहुत कम है, देखा तो है तुम लोगों ने पीछे। पर जहाँ हम नए जगह शिफ्ट हो रहे हैं वो बहुत बढ़िया जगह। अभी गौर किया यहाँ पे आम भी है, आम, ड्रैगन फ्रूट, अपने तरबूज, ये नींबू होंगे, ये दूसरे और इन शॉर्ट में सब कुछ है। बस ये पपाया भी है। तो इन शॉर्ट में इस दुकान पर सब चीज़ मिल रही है। एग है यहाँ पे और चिकन को छोड़ के चिकन मटन नहीं है यहाँ पे, बाकी सब चीज़ें, फिश भी नहीं है। ये इस दुकान की सबसे अच्छी बात लगी। और बाकी गाना बज रहा, कॉपीराइट आएगा, आगे बात करते घर पे चल के। तो हम लोग आ गए हैं घर सामान लेके, अंदर चल के बताता हूँ कैसा क्या है यहाँ पे। तो क्या पता कैमरे में आ रहा होगा कि नहीं, पर बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है यहाँ से। जो आसमान दिखता है ना बहुत खूबसूरत लगता है। और ये हमारा रूम, छोटा सा विला। अब विम्पी आ जाती है ये क्योंकि हम इसको ब्रेड देते हैं। हाँ तो आ जाती। अच्छा एक बात, हाँ एक बात और मैं तुमको बताऊँ, एक बात और, यहाँ के लोगों की एक चीज़ बहुत ख़राब लगी मेरे को। क्या? इनके पास सामान रहता है पर उस चीज़ को वो मना कर देते हैं। साबुदाना कहाँ था उसके पास? मैंने से पूछा था कि सागू है, तो उसने बोला टोपिया का। हाँ। जो भी बोलते हैं। हाँ। टोपिया को या जो भी बोलते हैं वो, उसने बोला मेरे को। तो अंदर मैंने देखा वो फ्लोर। हाँ, वो में तो देख लिया था। हाँ, तो वो ये बोल सकती थी कि फ्लोर में है। हाँ। पर उसने साफ मना कर दिया कि है ही नहीं वो चीज। हाँ, ये यहाँ पर ये चीज खराब है कि ये बोलते नहीं कि हाँ हमारे पास ये चीज है। ओनर नहीं बैठ रहे हैं दुकानों पे क्योंकि इतनी भी मेहनत नहीं करने, कौन जाके बताएगा यार कि वहाँ रखा है। मेन बात ये है कि काम नहीं करना है यहाँ के। देखिए इनके ना सारा सामान मिल रहा है जो अपनी जरूरत का है, जितना सामान होता है ना इनके, मसाले से लेके हर चीज इनकी दुकानों में है, पर ये लोग ना मना कर देते हैं भैया है ही नहीं। ये चीज अच्छी नहीं लगी। क्यों? वो मना इसलिए कि क्योंकि ओनर नहीं बैठा। ओनर तो बोलेगा भैया है। उसको ये नहीं पता था कि मैं अंदर देख कर। हाँ। सबसे बड़ी बात ये ओनर क्या रहता है, उसको बेचना है, उसके दुकान का क्यों सामान नहीं बेचेगा। पर जो काम करने वाले वो मट्ठे हैं। और मेरे को लग रहा है कि दुकान में तो शायद वो ओनर ही थी। नहीं थी ओनर, मैंने हर बार दूसरी लड़की बैठी रहती है कि हाँ वो काम करने वाले लोग हैं, ओनर नहीं है वो। तो एक्चुअली अभी है ना हम थोड़ा जो सामान लाया ना वो दिखाता हूँ कितनी कीमत का है। जरा सा है ना, दो दूध के पैकेट है, थोड़ी सी शिमला है। चिल्लाओ मत भैया, मेरा कान फाड़ दिया तुमने। ऐसे मोटा मोटा दिखा देता हूँ यार, मतलब ये सामान है ना जरा सा सामान आया 1000 रुपये का। इसको अमाउंट को जब कन्वर्ट करोगे ना, ले ले भैया फोकस। हाँ तो ये लगभग 1000 रुपये का सामान है, 900 का भी हो सकता है,
लगभग बोल रहा हूँ, कन्वर्ट करके देख लेना, जिसमें केवल लिया पता क्या है, थोड़े से आलू है, गाजर है, आलू 29,000 का। अरे ठीक है, मैं तो इतना महंगा कुछ नहीं लिया है, मतलब इतना ज़्यादा क्वांटिटी सब्जी ली है, केवल कुछ शिमला है, थोड़े से आलू है, थोड़ी सी गाजर है, दो आम है इतने बड़े बड़े साइज़ के, अपने आप भी ले लो आप, आम आम ही सबसे एक्सपेंसिव होता है, फिर भी 1,000 रुपये खर्च नहीं होता है, केवल इतने समय 1,000 खर्च हुए हैं। और जो एकदम लोकल दुकानें रहती है लोकल लोगों के लिए, वहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि वो जो फिश रहती है ना मछलियाँ, इतनी इतनी सी मछलियाँ मीन जो है वो ऐसी ही जो कार्ड क्या बोलते हैं ना वो दूध वाला या जो अपने सब्जी के नहीं वो बॉक्स रहते हैं उनमें ऐसे ही रखी रहती है, और फिर इतना गंदा बास मारता है, और मुझे लगता है हाँ, और मुझे पता क्या लगता है ये जो मच्छी वाला डब्बा खाली हुआ तो उसी में फिर सब्जी भी रख देंगे, क्योंकि क्या पता क्या करते हैं, क्योंकि है ना सब्जियों में से भी सेम स्मेल आती है बहुत गंदी वाली, सब्जियाँ धोई है हैंड वॉश से तो पर फिर भी बास नहीं जाती। हाँ तो आज का दिन तो हमारा ऐसा था सिंपल सोबर, और कोशिश कर रहा हूँ मैं इम्प्रूवमेंट करने की, अभी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग है, तुम बोलोगे 100 वीडियो डाल दिए कि अभी भी स्टार्टिंग है, वो ब्रेक में डाली है, अलग अलग कैमरा से डाली है, अलग अलग तरीके से डाली है, पर अब मैं इस तरह की डेली व्लॉगिंग की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, और नहीं आ रही है तो आ जाएगी आने वाले वक्त में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।